कि असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना सुमित सर SCP के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्टॉपर टॉक्स के लिए स्वागत करता हूँ। और आज का ये टॉपर स्टॉक एक्चुअली एक टॉपर स्टॉक नहीं है बल्कि इंट्रैक्शन है और एक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिन्होंने अपने मेहनत लगन और ना हार मानने वाले एटीट्यूड के कारण एक बहुत ही शानदार सफलता पाई है। तो इनका नाम है करण कुमार सहनी, जिन्होंने इस साल JEE मेंस 2023 के Paper 2 में बी आर्क में ऑल इंडिया रैंक 5662 और कैटेगरी रैंक 1836 पाई है। तो करण, इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। करण का ये कहानी एक बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग भी इसे जानें और अपने जीवन में प्रेरणा लें और सीखें कि कैसे अगर आपके अंदर ना हारने वाला एटीट्यूड हो तो आप कैसे सफलता पा सकते हैं। और इस बच्चे के ऊपर एक पंक्ति, एक दोहा बहुत अच्छे से सूट करता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इन्होंने ना हार मानने के कारण अपने आप को बहुत अच्छी सफलता पाई है और इस रैंक की वजह से इन्हें NIT पटना में बी आर्किटेक्चर में एडमिशन मिला है। बी आर्किटेक्चर जिन्हें नहीं पता उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप आर्किटेक्चर यानी कि डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक बहुत अच्छा कोर्स है जहाँ से आप डिजाइन के ऊपर काम कर सकते हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए अभी फ्यूचर में आर्किटेक्चर इंजीनियर की बहुत डिमांड है। तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा करण के बारे में और जान लेते हैं। करण की जो सफलताएं हैं वो बहुत ही मोटिवेट करने वाली हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग है। करण का इस साल WBJEE में भी सिलेक्शन हुआ है जिसमें उनका पूरा WBJEE में रैंक रहा था 8339 और पढ़ाई के अलावा ये स्पोर्ट्स में भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी इनका बहुत योगदान रहा है। ये क्रिकेट खेलते हैं और इनकी टीम क्रिकेट में इंटर कॉलेज चैंपियन रह चुकी है। कबड्डी में इन्हें पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है और एथलीट में ये 100 मीटर और 200 मीटर में डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट है। तो करण, इन सभी सफलताओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम करण के बारे में जानते हैं, करण कहाँ से है नहीं है, थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन देंगे फिर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ेंगे। तो करण, थोड़ा सा पूरे बच्चों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम करण कुमार सहनी है, मेरे पिता का नाम श्री ललन सहनी है। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई +2 लेकर फरवीसगंज से की है और मैंने अपनी +2 की पढ़ाई फरवीसगंज कॉलेज फरवीसगंज से की है। यानी सारा का सारा पढ़ाई आपने इसी शहर में फरवीसगंज में रहकर करा, कहीं बाहर आपने नहीं गया। क्या बात है, वेरी गुड। तो एक मैं आपके बारे में जान रहा था तो मुझे ये जानने का मौका मिला कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव रहे हैं। एक बहुत फेमस कहावत है स्पोर्ट्स के को लेकर के, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसके बारे में मेरा यही ख्याल है कि जब से मोदी की सरकार बनी है उसके बाद से ये डायलॉग चेंज हो चुका है। अब ये क्या डायलॉग है? अब ये डायलॉग है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। क्या बात है, बहुत खूब। एक्चुअली मैं, हमारा भी ये मानना है कि स्पोर्ट्स सिर्फ हमें सिर्फ टाइम बर्बाद करने का चीज़ नहीं है, स्पोर्ट्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जानने का मौका मिल सकता है। आइए इस करण से जानते हैं कि स्पोर्ट्स ने उनके लाइफ में क्या योगदान दिया है। स्पोर्ट्स में मेरा यही योगदान है कि स्पोर्ट्स से मेरा एटीट्यूड पूरा ही चेंज हो चुका है। ना हारने वाला एटीट्यूड, नेवर एवर गिव अप। क्या बात है। और कुछ? टीम स्पिरिट भी आप सीखते हैं, कैसे काम किया जाए, कैसे एफर्ट के साथ आप चीज़ों को करते हैं। आप कोई मैच खेलते हैं, आप हार जाते हैं, फिर दोबारा से एफर्ट मार के फिर मैच को जीतते हैं। तो स्पोर्ट्स के एक्चुअल में बहुत योगदान है, हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, जब हम करण के बारे में जान रहा था तो मुझे पता चला कि ये ITI भी कर रखा है इन्होंने और ITI में इनका पूरे बिहार में 41 रैंक था। तो उस जर्नी के बारे में बताइए कि ITI का क्या कहानी है आपका? तो क्लास 10th के बाद मैंने ITI कैट का एग्ज़ाम दिया, तो जिसमें कुछ अच्छा रैंक होने के कारण पेरेंट्स लोग बोले कि आप ले लो ITI कर लो। तो रैंक था तो ITI करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं था, इसीलिए ITI कर लिया। क्या ब्रांच था ITI में आपका? ITI में सर मेरा वायरमैन था। वायरमैन, हाँ। टू ईयर। तो फिर ITI से फिर इधर का सफ़र कैसे रहा? उसके बाद ITI में कॉलेज एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद वहाँ पता चला कि ITI मेरे लिए नहीं है। कॉलेज जाने के बाद आपको पता चला कि ITI आपके लिए नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने चॉइस किया
कि मुझे अब साइंस पढ़ना है, क्योंकि आईटीआई का उस तरह का माहौल नहीं था, पढ़ाई लिखाई वाला माहौल था ही नहीं, ना ही स्पोर्ट्स में वहाँ कोई कोऑपरेशन था, कोई प्रोटेक्ट होता है ना, यानी सपोर्ट कर सपोर्टिव, हाँ वहाँ सपोर्ट भी नहीं था स्पोर्ट्स के लिए। तो इसीलिए मैंने च्वाइस किया कि अब आईटीआई तो कर रहे हैं, वो डिग्री लेने के लिए कर रहे थे, बट अब पढ़ने के लिए तो कुछ तो करना होगा। इसीलिए तब मैंने जाके 2019 में, जब मेरा एक साल बीत गया 18 के बाद 19 में, जब मेरा एक साल बीत गया आईटीआई में, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया कि अब मुझे साइंस पढ़ना है। टेंथ आपका कब किया हुआ है? टेंथ मैंने किया था 2018 में, 18 के बाद मैंने आईटीआई कैट का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसके कारण मैंने 18 में, 18 से 20 का मेरा सेशन है आईटीआई का। अच्छा, यानी कि आप 18 से 20 में आईटीआई में एडमिशन लिए थे और 19 में जाके आपको यह एहसास हुआ कि नहीं आईटीआई नहीं, कुछ और करना है, और फिर 2019 में आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को साइंस पढ़ना है। एससीपी आपने कब ज्वाइन करा था? तो साइंस पढ़ने के लिए अब मुझे तो बेस्ट कोचिंग चाहिए, और बेस्ट कोचिंग उस टाइम तो एससीपी के अलावा मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने आंख बंद करके धड़ल्ले से एससीपी। तो उस समय तो आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा 11th 12th में, क्योंकि आप आईटीआई कर रहे थे। तो सर उस टाइम जो था ना, तो गवर्नमेंट का एक रूल था कि अगर जो बच्चा आईटीआई करेगा 10th के बाद, तो उसे जो है आईटीआई की तरफ से ही प्लस टू का डिग्री भी दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें वो बच्चा वैलिड होगा साइंस मैथ का डिग्री से। यहाँ पे बच्चों आप एक चीज जान सकते हैं कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और फिर अगर आपको फ्यूचर में, अगर आप साइंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं आईटीआई से आगे बेहतर में कुछ करना है, तो आप हिंदी और इंग्लिश का पेपर दे करके आईटीआई के इक्विवेलेंट, आप हिंदी और इंग्लिश के साथ पेपर दे करके आप इंटरमीडिएट साइंस का डिग्री ले सकते हैं। बाकी अलग से जो कंटेंट चाहिए, कोई जो पढ़ना है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि सेम करण ने करा है ना। तो एससीपी में आपका सेशन था 19 से 21 का। अच्छा, और फिर भी उसी टाइम पे मेरे ख्याल से लॉकडाउन भी था, उसके बारे में कुछ बताएं। तो उस टाइम लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन के दौरान ही सर लोग ऑनलाइन क्लास लिया करते थे, तो मैंने टोटल क्लास अटेंड किया ऑनलाइन किए, तो वहाँ से हमको पता चला कि सही में साइंस तो पढ़ना चाहिए, ज़रूरी तो है साइंस में पढ़ना, तो ज़रूरी है, स्टूडेंट कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े लेकिन साइंस का नॉलेज स्टूडेंट को रहना ही चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे कोविड का जब सिस्टम आ गया और फिर कोविड निकला, फिर आपने, फिर मेरे ख्याल से फिर से आपने इंटरमीडिएट में फिर से एडमिशन लिया, आई थिंक फिर से आप 11th 12th के लिए एडमिशन लिए कॉलेज में, वो सेशन मैं देख पा रहा हूँ 2021 से लेकर के 23 का था। तो फिर दोबारा एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत पड़ी आपको? तो सर यानी घर का कुछ माहौल इस तरह का बन गया कि आईटीआई करने के बाद जो होता है ना, तो अचानक से क्लास 12th का आईटीआई से तो मुझे डिग्री मिल गया, बट उस डिग्री का नहीं लग रहा था कि उतना ज़्यादा स्कोप होगा आगे चल के, कारण देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे फिर से 12th में एडमिशन लेना होगा, और मैंने फिर से अपना प्लस टू की पढ़ाई स्टार्ट की। अच्छा, और इस साल मेरे ख्याल से आपका प्लस टू का भी एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर रहा, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और फिर जब आप आगे बढ़े तो ये फिर कुछ एग्जाम्स हैं जो आर्किटेक्चर को लेकर के हैं, जैसे निफ्ट का एग्जाम है, एनआईडी है, नाटा है, जेई मेंस का पेपर टू है। बच्चों ये वैसे एग्जाम है, अगर आप आर्किटेक्चर में डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कुछ एग्जाम्स के नाम है जिसमें का आप तैयारी करके अलग अलग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो कब आपने डिसाइड किया कि मेरे को आर्किटेक्चर में जाना है और क्या कहते हैं उसके लिए पढ़ाई करनी है? तो जब मैं एससीपी में आया तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था कि मुझे किस और जाना क्या, या फिर मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जब एससीपी आए तो यहाँ पर सेमिनार चलता था, तो सेमिनार हुआ, सेमिनार सर के द्वारा लिया गया, एनडीए का, यूपीएससी का, इन सब का सेमिनार लिया गया, तो सर इन सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा, ठीक है, इसी कारण हम इन सबको साइड में रखे हुए थे। बट एक दिन सर किसी और स्टूडेंट को यह बता रहे थे इस कोर्स के बारे में, तो मैंने भी सुनने लगा उस कोर्स को, ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट जगा इस और, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जगा इस और, तो उसके बाद मुझे लगा कि सही में यह मेरे लायक का लग रहा है, तो इसी कारण मैंने उस पर सर्च किया, देखा, तो उसके बाद मुझे लगा, रियलाइज हुआ कि सही मुझे इस और ही जाना चाहिए। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करण का ड्राइंग भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट को उसी कोर्स के बारे में बता रहा था, उसके करियर के बारे में बता रहा था, तब इन्होंने पहली बार मुझसे डिस्कस करा कि सर ये क्या है नहीं है, और फिर जाकर के इन्होंने तैयारी शुरू करा। एक्चुअली आर्किटेक्चर का सिलेबस भी जो होता है वो आपका इंटरमीडिएट का ही सिलेबस से मिलता जुलता है, इसमें मैथ का पेपर कॉमन है, जो आप 11th 12th में कॉमन, 11th 12th में जो आप पढ़ते हैं क्या कहते हैं ये मैथ्स, वही मैथ्स आ जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा आपको अलग से ड्राइंग और एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से 11th 12th का मैथ तो आपका यहीं से कवर हुआ होगा। ये सर 11th 12th का यहीं से कवर हुआ है, देन एनसीईआरटी खत्म करने के बाद मैं तो यही बोलूंगा कम से कम आरएस अग्रवाल बना ले। आरएस अग्रवाल बना ले तो काम बन जाएगा, है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे आप बातों का। और बाकी ड्राइंग के लिए और जो एप्टीट्यूड के लिए आपने एक्स्ट्रा अलग से बुक पढ़ा? हाँ, एक्स्ट्रा अलग से प्रिफरेंस बुक लिया, ठीक है, देन उससे कंप्लीट। तो मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज को कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका एक सपना है
आप उसके लिए काम कर सकते हैं। जहाँ पे जितनी सपोर्ट की जरूरत है वो आपको मिलता ही मिलता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको सपोर्ट देता ही है, और उसके बारे में आपको वो हेल्प मिलता है प्रिपरेशन के बारे में। थोड़े से अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि कैसे पढ़ाई करते थे आप, क्या करते थे, नहीं करते थे, क्योंकि आप एक्चुअली में आपका सेशन बहुत डिले चल रहा था। डिले इन द सेंस कि आप 18 में कहाँ पास आउट हुए थे 10th, और अभी 23 चल रहा है, 5 साल का सिस्टम आपका रहा है। तो इसके बारे में बताइए आपका सफर, जो पहले ITI हुआ, फिर ITI से फिर आप इंटर की क्लासेस करें, उसी दौरान फिर कोविड आ गया, फिर जाकर के आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। थोड़ा सा इस सफर के बारे में बताइए, कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा, कैसे आपने आपको अपने 5 सालों तक मोटिवेट बना करके रखा। यह जर्नी स्टार्ट हुई 2016 में, जब मैंने क्लास 10th के लिए दाखिला लिया प्लस टू लेकिन फॉरबिसगंज में। तो प्लस टू एकेडमी जाने के बाद मेरा मोटिव पूरा यही था कि वहाँ जाने के बाद वहाँ खेल का माहौल मिला हमको, ठीक है, क्या बात है, वहीं से लगता है स्पोर्ट्स में आपके। हाँ, वहीं से रियलाइज हुआ कि सही में हमको स्पोर्ट्स में भी कुछ करना चाहिए। तो वहाँ खेल का माहौल मिला, तो क्लास 10th तक तो मेरा पढ़ाई पूरा चौपट ही रहा, पढ़ाई में मेरा पूरा फोकस ही नहीं था, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने पूरा खेल पे फोकस किया, तो घी स्टान के क्लास 10th पास किए, ठीक है, घी स्टान के क्लास। आप समझ सकते हैं ना कि जो बच्चा ये कह रहा है कि 10th क्लास खींचटांग के पास किया, आज वो NIT पटना में बैठा हुआ है, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, जो आर्किटेक्चर के लिए बहुत अच्छी कॉलेज है, और वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है। अगर आपका 10th बहुत बेहतर नहीं भी है, फिर भी आप अपने मेहनत से, अपने लगन से और अपने परिश्रम से कुछ भी पा सकते हैं। ये चीज़ का जीता जागता उदाहरण आज करण है। तो चीज़ों को आप इस नज़रिए से देखिए कि कैसे जब आपको पता चल जाए कि नहीं अब मेरे को पता चल गया क्या करना है, तब से लग जाइए। कभी भी लेट नहीं होता, कभी भी डिले नहीं होता। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा बहुत दिन हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है, क्या स्टार्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जब आपको लगता है कि नहीं अब मेरे को करना चाहिए, आप वहां से लग जाइए, सफलता मिल ही जाती है। अगर आप लगे रहते हैं तो सफलता मिल ही जाती है। हाँ, तो बताइए, तो आप ली एकेडमी में पढ़ रहे थे, वहां से आपको स्पोर्ट्स के बारे में जानने का मौका मिला। तो ली एकेडमी का सेशन खत्म होने के बाद 10th के बाद, उसके बाद मैंने 2018 में 10th खत्म हुआ, 10th खत्म होने के साथ ही मैंने ITI कैट का एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम होता है ITI का। तो उसमें अच्छा रैंक होने के कारण तो मैंने दाखिला लिया फॉरबिसगंज ITI कॉलेज ITI में। तो वहाँ से अब 2018 से 2020 का सेशन रहा मेरा, तो उसी अकॉर्डिंग जो लॉकडाउन आ गया, तो जिसके कारण वहाँ का भी सेशन मेरा थोड़ा डिले रहा। तो डिले होने के कारण मैंने हाफ यानी दोनों चीज़ को हैंडल किया, जैसे कि मैंने साइंस की भी पढ़ाई प्रिपरेशन किया SCP से, और ITI को भी लेके चला, दोनों आप साथ लेके चल रहे थे, लेके चले, क्योंकि ITI में तो उतना पढ़ने को कुछ था नहीं, वहाँ थोड़ा था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, वहाँ से ड्राइंग मेरा कुछ ड्राइंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ, ड्राइंग स्किल्स की इम्प्रूवमेंट आपकी वहाँ से हुई, ITI से हुई, यानी कि वो तो कम से कम ITI का ये रोल तो रहा कि आप इस जगह पे पहुँच चुके हैं। चलिए, तो उसके बाद लॉकडाउन 2 साल यूँ ही गया, ठीक। अब बारी आया 2021, ठीक है। तो 2021 में सीन ये था कि मुझे फिर से आप प्लस टू में एडमिशन लेना था, ठीक। मैंने फिर से प्लस टू में दाखिला लिया, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी मेरा चलता रहा, ठीक। तो अचानक से एक दिन, यानी खेल ही रहे थे हम, तो अचानक से मेरा थंब में चोट लगा, जिसके कारण मेरा थंब इंजर्ड हो गया, यानी टूट गया। अच्छा, तो जैसे ही टूटा तो डॉक्टर 6 महीना का रेस्ट, 6 मंथ का आपको रेस्ट दे दिया गया। ये कब की बात है? जस्ट 3-4 महीना पहले का बात है ये, एग्जाम से 4 महीने पहले की बात है, 4 महीना पहले। उसके बाद अब तो मेरे लिए करने को कुछ था ही नहीं, अब पूरा घर में बैठे हुए थे। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब हम खेल भी नहीं सकते हैं, कोई चांस अपॉर्चुनिटी तो है नहीं मेरे पास, अब एक ही ऑप्शन बचा, वो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। यानी अंगूठे का टूटना आपके तीसरे आँख को जागृत कर रहा था पढ़ने के लिए। चलिए, कम से कम पहला कुछ तो शुभ हो रहा था। तो ऊपर वाला जो भी चाहता है तो वो भले के लिए ही चाहता है। हाँ, तो इसी कारण अंगूठा टूटा। उसके बाद वो 3 महीना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस 3 महीने में मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया पढ़ाई के प्रति, जिसके कारण मुझे आज NIT पटना मिला है। चलिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ा सा बताइए कि जब हम तैयारी करते हैं, तो तैयारी करते वक्त हमें बहुत बार ये लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, और उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट का हेल्प लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज का कितना योगदान रहा है आपके प्रिपरेशन में, और उसका एनालिसिस कैसे आपको हेल्प करा पता करने में कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है? टेस्ट तो सब हम जहाँ तक हमको लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट का जितना अहम भूमिका है, उतना अहम भूमिका किसी भी चीज़ का नहीं है। क्योंकि टेस्ट जो होता है ना, मेंटली प्रिपेयर कर देता है स्टूडेंट को कि उसका एग्ज़ाम जो है ना किस तरह से जाने वाला है। बच्चों, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि टेस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ, आप कितना भी पढ़ाई कर ले, जब तक आप टेस्ट नहीं देते तब तक आपको एक्चुअल इन्वायरमेंट का पता नहीं चलता, क्या इन्वायरमेंट है, क्या है तरीका है एग्जाम का। तो टेस्ट का हमारे में प्रिपरेशन में बहुत योगदान होता है। क्या होता है नहीं होता हम थोड़ी देर बाद भी और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैंने बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद PYQ सॉल्व किए, ठीक, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ, तो कॉन्फिडेंस आते गया। और मैथ तो हम SCP से पढ़ ही लिए थे, तो यहाँ तो थोड़ा सुमित सर हैं, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैथ में तो पूरा कॉन्फिडेंस थे, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात थी नहीं। तो एप्टीट्यूड और ड्राइंग में थोड़ा सा था प्रॉब्लम, तो उसके बाद जब उंगली टूटा तो उसके बाद तो हम सोचे कि अभी दोनों को तो स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, ठीक। तो यही दोनों में लग गए हम प्रिपरेशन के लिए, दोनों का अच्छा से तैयारी किए, ठीक है, उसके बाद जाके अभी रिजल्ट हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी भी टाइम पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं सही तरीके से, है ना, और अपने गलतियों को पहचान के वर्क करना स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कैसे इसको ठीक किया जाए, और उसको पहचानने में टेस्ट का बहुत योगदान होता है। इसलिए टेस्ट का नज़रअंदाज ना करें, टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट से ही आपको अपनी गलती के बारे में पता चलता है। तो हमने जाना टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है प्रिपरेशन में। थोड़ा सा करण मुझे बच्चों को ये बताइए कि अगर कोई बच्चा इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, वहाँ करियर बनाना चाहता है, तो क्या उनका स्टेप होना चाहिए, कैसे उनको पढ़ाई करना चाहिए, क्या उनका सजेशन, आप उनको क्या सजेशन बेसिकली देना चाहेंगे? अगर किसी को, कोई भी स्टूडेंट है जिसको ड्राइंग, क्राफ्टिंग ये सब में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, हम तो बोलेंगे आ जाओ कर लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और इसमें बेसिकली यही पढ़ना होगा कि मैथ को कम से कम 11th 12th का मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेना, और एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एप्टीट्यूड में यही है कि बेसिकली ज्यादातर क्या एप्टीट्यूड में क्या किस लेवल का एप्टीट्यूड आता है? तो एप्टीट्यूड उतना हार्ड लेवल नहीं रहता है एप्टीट्यूड में, जिस लेवल का बेसिस का रहता है, 10th लेवल तक का ही, 10th लेवल तक का ही। उसमें बेसिकली प्रोजेक्शन वगैरह पूछा जाता है, मिरर इमेज, ठीक है, स्प्लिंग टेस्ट, यही सब पूछा जाता है, बेसिक बेसिक सिंपल सब रहता है। अगर आपका बेसिक अच्छा है, मैथ अच्छा है, तो कहानी बन सकता है। और ड्राइंग वगैरह का क्या रोल है? तो ड्राइंग तो वो तो स्किल्स पे डिपेंड करता है कि जैसा जिसका जैसा स्किल्स रहेगा ड्राइंग में, वो उतना अच्छा नंबर उठा लेगा। और वो ड्राइंग का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है? हाँ, ड्राइंग का सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, 2 क्वेश्चन पूछेगा। कितने नंबर का पेपर है, क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो ड्राइंग में तो बेसिकली सब्जेक्टिव पूछेगा तो 2 क्वेश्चन रहेगा 50-50 मार्क्स का, और उसके बाद मैथ पूछेगा 100 नंबर का, और उसके बाद एप्टीट्यूड भी 100 नंबर का रहता है। मैथ 11, 12 दोनों का पूछता है या फिर सिर्फ 11th या सिर्फ 12th का? 11, 12 दोनों। 11, 12 दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 12th में, 12th का अगर कुछ बेसिक पढ़ना है तो ये दोनों तो कंप्लीट करके जाना ही होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कैलकुलस का टॉपिक। और 11th का तो मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट थ्री, ये सब तो अच्छा से आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत वेक्टर, अलजेब्रा, डिटरमिनेंट, ये सभी। कहने का अर्थ क्या कि अगर आप 11th 12th अगर मैं ये कहूँ, कंक्लूड करूँ आपकी बात को, कि अगर 11th 12th के मैथ के ऊपर आपका अच्छा से कमांड है और एप्टीट्यूड आपका ठीक ठाक है, बहुत बेहतर नहीं भी है, और अगर ड्राइंग आपका सही है, तो इस एग्जाम में आसानी से सफलता पाई जा सकती है। और अपने आपका फ्यूचर स्कोप आपको क्या दिखता है, मान ली कोई बच्चा अगर आर्किटेक्चर कर लेता है तो कहाँ उसका पोजिशन बनता है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है, इसके बारे में कुछ बताइए। वो टोटल डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पे कि आप वहाँ जाके क्या सीख रहे हो, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों ये थी थोड़ी सी आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी। आर्किटेक्चर एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसके ऊपर आप जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। और देखिए, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बहुत तेजी से बदल रहा है, बेहतर हो रहा है, और इसलिए बहुत ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में अपना योगदान दे सके, तो उसमें से बी आर्किटेक्चर एक बहुत अच्छा कोर्स है, तो आप उसके लिए ज़रूर जा सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट में जानने का प्रयास करते हैं, कुछ मैसेज जो आप अपने जूनियर को देना चाहें इस एग्ज़ाम के बाद, इस एग्जाम सफलता के बाद, तो वो बताएं। अगर किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो डिज़ाइन लाइन में, तो हम तो बोलेंगे आ जाओ, सुमित सर हैं, करवा देंगे। सुमित सर नहीं, मेहनत है तो हो जाएगा, आप मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाएगा, डिजाइन में तो है ही। और बाकी तैयारी एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप सही तरीके से करते हैं, पूरे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। अच्छा, ये भी कहा जाता है बहुत बार करण की NIT IIT जैसे कॉलेज में जाने के लिए 15-15 घंटा 16-16 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो क्या आपकी भी पढ़ाई 15-16 घंटे वाली थी? नहीं, मेरी तो नहीं थी, जो के लिए अब ये जरूरी नहीं, अगर बच्चे का फोकस तगड़ा हो तो लाइन में पढ़ सकता। कुछ मैसेज जो अपने आप जूनियर को देना चाहेंगे, अपने छोटे भाई बहन को? मेरे एंड से यही मैसेज रहेगा मेरे जूनियर को कि सिलेबस के पीछे मत भागो, सिलेबस ख़त्म करने जाओगे तो अब तो मुश्किल है। सिलेबस को इस तरह से हैंडल करो, ठीक है ना, सिलेबस का मेन मेन टॉपिक पकड़ लो
और उसको इतना अच्छा से रिवाइज कर लो, इतना अच्छा से रिवाइज कर लो कि उसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और अपना एक टारगेट बना लो, अपना एक टारगेट बना लो कि हाँ इतना टारगेट हम कर लेंगे तो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन दाखिला मिल जाएगा, ये वो। ठीक है, अगर सिलेबस ख़त्म करने जाओगे तो तुम्हारा सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, और देन जो रिवाइज करने का रहेगा वो भी मिस आउट हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है, रिविजन इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिविजन सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट इक्वल्स टू रिविजन का इक्वेशन बहुत सिंपल सा है कि अगर आप रिजल्ट बेहतर चाहते हैं तो रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन से हमें और कॉन्फिडेंस आता है, और इसलिए रिवीजन का इनके लाइफ बहुत रोल इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना। तो इसलिए बच्चों ध्यान से मेहनत करते रहिए, सही तरीके से मेहनत करते रहिए। इनके इस कहानी के ऊपर हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत फेमस कविता है, मैं आपको बताता हूँ कि असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो करण, आपको इस सफलता के लिए हमारे मेरे तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। ठीक है बच्चों, तो जल्द मिलते हैं एक नए इंट्रैक्शन के साथ। थैंक यू।